हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि समय समय में यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको जो है अनेकों जानकारी जो है एकत्रित करता रहता हूं, तो आज जो है मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से जो है माँ ज्वाला के दर्शन लाइव दर्शन करवाऊँगा, ज्वाला माँ की ज्योत के दर्शन करवाऊँगा। तो ये हमारा जालपा माता का एक ऐतिहासिक मंदिर है, हमारे गाँव के बीचों बीच चौराहे में बसा हुआ है। तो वहाँ एक ये विशालकाय पेड़ लगा हुआ है, बहुत पुराना, सदियों पुराना पेड़ है ये। तो तकरीबन जो 1400-1500 साल पुराना पेड़ है ये, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि इस पेड़ को हमने ऐसा क्या ऐसा ही देखा है। तो वो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों से भी पूछा तो वो भी कहते थे कि हमने भी ऐसा ही देखा है। तो कहते हैं जितने छोर होते हैं इसमें, छोर बने हुए जितने छोर होते हैं, ये जो छोर हैं तो ये गड्ढे होते, जितने गड्ढे होते हैं उतने साल, 100 साल में एक गड्ढा पड़ता है, तो उतना पुराना पेड़ होता है ये। तो इसके इसमें तकरीबन जो है 14-15 गड्ढे पड़ चुके हैं, और इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1400-1500 साल जो है पुराना पेड़ है। तो आप देख सकते हैं कितना विशालकाय, कितना बड़ा पेड़ है। तो ये हमारा महामाई जालपा माता का मंदिर है। जय जालपा माता। तो ये जालपा माता के मंदिर में भक्तों आप दर्शन कर सकते हैं, जालपा माता मंदिर के। तो ये माँ ज्वाला जी की ज्योत है, जो हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो है हर साल लाते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ज्वाला जी मंदिर से जो है हर साल माँ माई की जो है ज्योत लाते हैं हम अपने मंदिर में। तो तकरीबन जो हमें 14-15 साल हो गए लाते हुए। तो पिछले साल जो कोविड की वजह से हम नहीं ला पाए थे, तो इस साल फिर लाए हैं, और अब हम ज्योत को प्रवाहित करने के लिए रावी नदी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप जो है ज्योत के जो है लाइव दर्शन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, साथ में चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जो मेरे नए साथी चैनल में हैं, वो सब्सक्राइब के बेल आइकन के ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि आगे से जो भी जानकारी जो मैं साझा करूं उसकी नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग गुट में जो लोग भजन कीर्तन करते हुए जो है ढोलक बजाते हुए भजन कीर्तन करते हुए चले हुए माँ माई के माता रानी के जयकारे लगाते हुए। तो ये इस साल जो है कोविड का सेशन चला हुआ, आपको पता है कि कोविड जो है कोरोना जो है एक भयानक बीमारी जो है महामारी का रूप धारण कर चुकी है। तो इसी वजह से जो हम स्ट्रेंथ जो इस बार कम आई, मेरे हिसाब से 20% स्ट्रेंथ भी नहीं जितनी स्ट्रेंथ जो है हर साल हुआ करती थी। तो इस साल कोविड की वजह से बहुत कम गांव वाले लोग जो है ज्योत प्रवाहित करने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये माता रानी की ज्योत को जो है प्रवाहित करने के लिए चले हुए हम 3-4 किलोमीटर के सफ़र के बाद जो है रावी नदी के तट में पहुँचे गए। वहाँ पर वहाँ से जो है रावी नदी में जो है ज्योत को जो है प्रवाहित करेंगे, ज्वाला जी की ज्योत को जो है कलश को जो है प्रवाहित करेंगे। और मैं आपको पूरी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रवाहित करेंगे। तो आप वीडियो को जो है एंड तक जरूर बने रहें, वीडियो लास्ट तक देखें। तो तकरीबन हम जो आधे रास्ते में जो है पहुँच रहे हैं। तो ये जो है लोग जो है माँ ज्वाला की ज्योत को जो है गोद में लेके चले हुए हैं, और जो भजन कीर्तन करते हुए जयकार लगाते हुए माँ माई के जो है लोग जो है अपने अपने गुटों में चले हुए हैं। तो आप जो है बिल्कुल देख सकते हैं लाइव किस तरह से जो है महामाई माता ज्वाला माँ की ज्योत को जो है प्रवाहित करने के लिए रावी नदी के तट में चले हुए हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे दोस्तों। तो ये जो है हम तकरीबन 4 किलोमीटर के सफ़र के बाद जो है रावी नदी के तट में जो है पहुंच चुके हैं ज्वाला जी की ज्योत को जो है प्रवाहित करने के लिए। तो यहाँ श्रद्धालु जो है भजन कीर्तन कर रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, तो कई जो है वीडियो शूट कर रहे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो ये रावी नदी है जो काफ़ी उफान में है, आपको पता है जैसे सावन का महीना चला हुआ है, सावन के महीने में जो है रावी नदी काफ़ी उफान में होती है। और इस रावी नदी के नदी में एक जो है चमियाड़ी सॉन्ग भी फेमस है, और सॉन्ग भी बना हुआ जैसे साए साए मत कर रहा अभी ये मिंजो तेरा डर लगदा। तो ये जो है चमियाड़ी भाषा में जो है इस सॉन्ग को रावी नदी के ऊपर बनाया गया है, इस गाने को। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग गुटों में बंटे हुए हैं, ये काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लड़के। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये रावी नदी का बिल्कुल जो भाव, यहाँ जो बिल्कुल समतल भाव है, और आराम से रावी नदी जो है अपने चली हुई है। तो ये साथ में कंस्ट्रक्शन पुल का जो है, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम भी चला हुआ है, जो पुल जो है टूट चुका था दो तीन साल पहले पुल टूट चुका है, अभी जो है इसमें नया पुल जो है बन रहा है। तो ये माता रानी की चुन्नी को जो है कलश तैयार कर रहे हैं, टोकरी तैयार कर रहे हैं, ट्यूब एक टायर ट्यूब लेंगे, उस ट्यूब में जो है हवा भरेंगे, हवा भरने के बाद उस ट्यूब में चुन्नी से जो उसको बांध देंगे, और उसमें
टोकरी बांध देंगे, उसको टोकरी में जोत का कलश रखेंगे ताकि जो है जोत का कलश जो है काफ़ी आगे तक जाए, ट्यूब में जो है डूबने नहीं देती हो, टायर ट्यूब जो होती है वो डूबने नहीं देती है टायर की ट्यूब। तो ये पार माता काली माता का मंदिर है। तो ये टूटा हुआ पुल, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग जो है अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। रावी नदी का बहाव भी देख सकते हैं आप, काफ़ी गति में है, तेज़ गति में बहाव है। तो ये माता रानी की जोत जो है गोद में लेके बैठे हुए हैं। तो ये श्रद्धालु जो है श्रद्धा जगाए हुए हैं। ये लड़का जो है पानी का बहाव चेक कर रहा है कि कितना कितनी गति है पानी की, हमें कहाँ तक जो है जोत को अंदर लेके जाना है, मतलब कितने अंदर तक रावी नदी के अंदर तक जाना है। तो ये जोत को जो है इन्होंने उठा लिया, अब जोत को जो है प्रवाहित करने के लिए जो रावी नदी के अंदर जा रहे हैं। तो तकरीबन जो है 5-6 मीटर ही अंदर जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि पानी की गति जो है बहुत तेज़ है, शांत पानी है बिल्कुल एक समतल, पता नहीं चलता कि पानी कब कभी कोई जान माल की हानि हो सकती है। तो इसी कारण जो है बड़े अंदर तक नहीं जा सकते, थोड़े हम 3-4 या 5 मीटर अंदर तक ही जाएंगे और इसको जो है जोत को वहीं से प्रवाहित कर देंगे। यहाँ जो है एक इन्होंने हाथ हाथ पकड़ लिए, एक दूसरे के चेन बना ली, चेन से क्या होता है, कहते हैं कि एकता में बल होता है, और इन्होंने अपने आप को चेन बनाकर संभाल लिया है। तो ये माता जयकारे, माता रानी के जयकारे भी लगे हुए हैं, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ, जय ज्वाला माँ के माँ कहकर जो है जयकारे लगा रहे हैं। तो ये जोत को जो है प्रवाहित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से जोत को प्रवाहित कर रहे हैं। तो इन्होंने माता रानी की जोत को जो है प्रवाहित कर दिया, और ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है श्रद्धालु जो जयकारे लगा रहे हैं, और ये पानी के बिल्कुल ही बीच अंदर चले गए हैं। तो ये कई श्रद्धालु इंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटो वीडियो जो शूट कर रहे हैं, और माता रानी की वो जो जलती हुई जोत जो है चली हुई अपनी धुन में। तो आप देख सकते हैं ये टायर ट्यूब का ये बेनिफिट होता है कि ये कलश को जो है डूबने नहीं देता है। अगर तेज़ गति पानी का बहाव तेज़ गति में होगा तो वहाँ तो हम कुछ कह नहीं सकते, डूब भी सकती है। तो ये अभी जो है 100 से 150 मीटर आगे तक जो है, ये 150-200 मीटर आगे तक जो है इसी तरह से जलती हुई चली जाएगी। उस आगे पता नहीं पानी का बहाव कैसा है, तो आपको जो है दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से, आप जो है वीडियो में बने रहिएगा, और साथ में चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों में, इंस्टा में, FB में, फेसबुक में, और ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, फेसबुक ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें, ताकि सभी लोग जो है घर बैठे बैठे माँ ज्वाला जी के दर्शन करें, और आप भी, आपको मैंने घर बैठे बैठे माता ज्वाला जी के दर्शन करवाए। तो ये आप देख सकते हैं कितने दूर जो कलश पहुँच चुका है माता रानी की जोत का, ज्वाला माँ की जोत का। तो आगे पानी का गति बहुत तेज़ है, तो कुछ भी नहीं कह सकते, और आगे ये कलश जो है बिल्कुल मेरे हिसाब से जो है डूब चुका है, दिखाई दे रहा है आगे। तो ये तकरीबन 150-200 मीटर आगे तक कलश चला गया, जलता जलता जोत माँ की जलती जलती 150-200 मीटर आगे तक गई, और ये श्रद्धालु जो है माता रानी के भजन कीर्तन करते हुए और अपने घर की ओर, कई घर की ओर रुख कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये जो है जोत देख रहे हैं कि कहाँ तक गई जोत जलती हुई, तो ये अब घर की ओर वापसी कर रहे हैं। थैंक यू।